हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लाई हूँ। यस, अगेन इट्स अ प्रॉन रेसिपी और यू कैन से इट्स झींगा। झींगा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। दिस इज़ द साइज ऑफ माय प्रॉन्स। मैंने इसको ऑलरेडी इसको साफ़ करके धो के मैंने रख लिया है। बेसिकली आज मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स बिरयानी। तो चलिए आइए। तो पहले मैंने आपको दिखाई दिया है, मैंने प्रॉन्स ले लिए हैं, धोकर रख लिया है। अब फर्स्ट हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो आइए पहले इसमें हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, चिली पाउडर, थोड़ा नमक डालेंगे एंड इसमें इस पे हम इसके बाद ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे एंड उसमें हम जो धनिया पाउडर होता है यानी कि कोरिएंडर पाउडर उसको भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको मैरिनेट करके साइड में रख देंगे। अब मैंने इसके लिए लिया है दावत का ये पुलाव बासमती राइस बिरयानी के लिए, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बिरयानी वाले होते हैं, तो मैंने ये मंगाए थे। तो मैंने पहले इसको जितना हमें चावल चाहिए आपके क्वांटिटी के हिसाब से आप उतना लेके इसको धो के पानी में सोख करके आप इसको साइड में रख लीजिए। तो अब मैं चावल का प्रिपरेशन दिखाती हूँ। इसके लिए हमने पतीला लिया है, उसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। जितना चावल है आपको उस हिसाब से नमक डालना है, चावल फीके नहीं रहने चाहिए। इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, आपके पास शाही ज़ीरा है तो आप शाही ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 2 इसमें कार्डमम हो गए यानी कि छोटी इलायची। इसमें हमने 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। ये जो हमने दालचीनी का स्टिक है इसको हम तोड़ के डाल देंगे, इतना सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा हमें छोटा सा स्टिक डालना है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 बड़ी इलायची और 1 जावित्री का टुकड़ा इसमें ऐड ऑन करूँगी। इससे बहुत अच्छा एरोमा आता है हमारे चावल में। थोड़े से पेपरकॉर्न्स एंड लौंग ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब पानी में हम थोड़ा बॉईल आने देंगे। इसमें मैंने थोड़ा तेल भी और ऐड ऑन किया जिससे जो कि हमारे जो चावल है वो चिपके नहीं। और ये नींबू भी ऐड किया है, इससे जो होते हैं हमारे चावल नरम बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। इसके अंदर आप लोग चाहे तो मिंट लीव एंड धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास वो इतना ज़्यादा था नहीं तो मैंने नहीं डाला। मिंट लीव एंड धनिया पत्ते डालने से क्या होता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है आपके राइस में। एंड देन इसके अंदर मैंने राइस डाल दिए हैं, ये एक तरफ अपना बॉईल होता रहेगा। बेसिकली हमें इसको 80% हमने पकाना है चावल को, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि उसके बाद हम इसको बिरयानी में डालेंगे तो उसमें भी ये जो रेस्ट है वो पक जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया ये हमारे देखिए बॉईल हो गए हैं, लंबे लंबे इसके दाने हैं। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो ट्राई कीजिए, तो आप इसी तरीके के आप राइस ले लंबे लंबे, तभी आपका बिरयानी में खाने में टेस्ट आता है। ये देखिए हमारा जो चावल है वो मतलब ऑलमोस्ट डन हो गया, 80% मैंने पकाया। हमने दूसरा पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड ऑन कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया इसके अंदर मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े पेपरकॉर्न, थोड़े लौंग यानी कि क्लोव, 1 जावित्री मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया है और मैंने नटमेग डाला है। इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और ये छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 7 से 8 कड़ी लहसुन के मैंने इसके अंदर दरदरा कूट के इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड खुशबू आती है लहसुन की। लहसुन के बिना तो आई डोंट थिंक सो बिरयानी हमारी कोई कंप्लीट रहती है, हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। तो लहसुन मुझे बहुत पसंद है और मैं लहसुन बहुत ज़्यादा भर के डालती हूँ। इसके बाद मैंने 2 प्याज मैंने इसमें स्लाइस करके मैंने डाल दिए हैं एंड इसको उसके बाद हम अच्छे से इसको हम पकाएंगे। जैसे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर वगैरह डालूंगी। तो अब इसके अंदर जाएगा टमाटर, 1 टमाटर मैंने इसके अंदर दिया है, उसको भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे एंड तब तक पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता, तब तक इसको हम चलाते रहेंगे एंड इसको हम फ्राई करेंगे। टमाटर हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं, इसके अंदर मैं डालूंगी आलू यानी कि पोटैटोज, क्योंकि बंगाली में हम लोग जो बिरयानी बनाते हैं उसमें हम पोटैटोज जो है मस्त डालते हैं। येस, यू हर्ड इट राइट, हम लोग की बिरयानी जो है आलू के बिना अधूरी है, तो हम इसके अंदर आलू डालते हैं बड़े बड़े चंक्स करके। इस आलू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर, जिससे कि इसके ऊपर एक गोल्डन हमारा कोट हो जाए। एंड देन उसके बाद इसके अंदर मैंने जो मैरिनेटेड प्रॉन्स थे वो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। ये 4 मैंने हरी मिर्च थी यानी कि ग्रीन चिलीज, इसको मैंने स्लिट करके काट के इसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दिया है। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसाले में मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी, अब इसके अंदर डाला मैंने नमक यानी कि सॉल्ट, ये रहा हमारा रेड चिली पाउडर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया है, ये रहा हमारा हल्दी।
ये सब डाल के अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रॉन्स को बेसिकली हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है, ज़्यादा पकाओगे तो बहुत ज़्यादा च्यूई हो जाएंगे या बहुत ड्राई हो जाएंगे। ये मैं छोटा पैकेट लेके आई थी बिरयानी मसाला, मैंने इसके अंदर थोड़ा बिरयानी मसाला डालेंगे हम एक चम्मच के करीब, एक बड़ा चम्मच इसके अंदर बिरयानी मसाला मैंने ऐड कर दिया है। एंड अब इसमें हम एक छोटी कटोरी कर्ड यानी कि दही का ऐड करेंगे। दही को मैंने फेंट के इसके अंदर डाल दिया है एंड देन इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे दही के साथ। यहाँ पे एक तरफ पैन में मैंने चार प्याज जो है मैंने वो तलने के लिए डाल दिए थे। ये हम बिरयानी में जब हम लेयर करेंगे उस टाइम पे हम जो ये प्याज है वो ऐड ऑन करेंगे। तो साइड में वो हमारा जो है प्याज वो तल रहा था, तो देखिए जो प्याज जो है हमारे तल गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं क्योंकि अभी ऑयल गर्म है तो ये और भी इसमें थोड़ा बहुत इसके अंदर करारापन आ जाएगा। तो हमारा जो ये जो ग्रेवी है वो रेडी हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी लेयरिंग के लिए इस तरीके से। अब इसके अंदर पहले मैं राइस की लेयरिंग करूँगी। इस तरीके से हमने राइस को बिछा देना है जिससे राइस जो है हमारे वो ज़्यादा ना टूटे। इस तरीके से हम हल्के हाथों से कड़छी हल्का हल्का चलाते हुए हमने इसके ऊपर एक राइस की कोटिंग करनी है। अब इसके अंदर जो प्याज है मैंने अभी दिखाए थे आपको, हमने वो प्याज भी डालने हैं, लेयर करना है। एंड इसमें हम प्याज का जो ऑयल है वो भी डाल देंगे जिससे कि जो प्याज के ऑयल में जो खुशबू है प्याज की वो हमारे राइस में एंड जो हमारे बिरयानी में आ जाए। एंड इसके बाद मैं इसमें धनिया एंड पुदीने के पत्ते वो काट के मैं इसके अंदर लेयर करूँगी। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा मैं जो बिरयानी मसाला है वो छिड़क दूंगी। तो यहाँ पे हम सेकेंड लेयरिंग करेंगे। जो मैंने ग्रेवी थी वो इसके ऊपर मैंने बिछा दी है, हल्के हाथों से इसको हमने बिछा देना है इस तरीके से। बहुत अच्छे से चारों तरफ से इसको हम इसको लेयर कर देंगे। अब अगेन इसके अंदर मैं चावल की लेयरिंग करूंगी। जैसे कि हमने पहले प्रोसेस किया था वही सेम प्रोसेस इसमें हम दोहराएंगे, चावल की लेयरिंग करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो प्याज मैंने भून कर रखे थे वो प्याज डालेंगे एंड देन धनिया पत्ता एंड पुदीना पत्ता इसके अंदर हम ऐड करेंगे एंड अगेन थोड़ा बिरयानी मसाला। इस तरीके से जो हमारी लेयरिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगी। देखिए मोमेंट पे जो है हम अपना जो कुकर है इसको बंद कर देंगे, इसका विसल हटा के बंद करेंगे एंड ज़्यादा मिनट नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए हम एकदम सिम में इसको रखेंगे। एंड उसके बाद जो हमारी बिरयानी है वो रेडी हो जाएगी। तो आइए मैं अब बिरयानी है जो ओपन करके दिखाती हूँ। अभी जो इसमें से खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिरयानी में कलर भी डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं, मैंने कलर नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास कलर अवेलेबल होता है आप लेयरिंग के टाइम पर कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ऑरेंज कलर ऐड करते हैं। तो देखिए मैंने जो है बिरयानी वो मिक्स कर दी है और इस तरीके की हमारी बिरयानी जो है वो नज़र आ रही है। मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी डिलीशियस और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाऊंगी। और हम मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।